तो स्वागत है मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम सब। आज हम बीरस लॉक्ड इन टाइम चेंबर के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट पावर के बाद से। बीरस बहुत ही पावरफुल हो चुका था सभी गॉड्स में, और वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव मोड में हो चुका था। बीरस सभी गॉड से मुकाबला करता है और सभी को आसानी से हरा देता है। बीरस के आगे कोई नहीं टिक पाता है। सारे गॉड्स परेशान हो जाते हैं, सोचते सोचते बीरस का सामना कैसे किया जाए, बीरस को टैकल कैसे किया जाए, क्योंकि दिन पे दिन बीरस सभी के लिए मुश्किल बनता चला जा रहा था। और सभी गॉड्स सोचते हैं, बीरस इतना एरोगेंट क्यों हो गया है, और वो हम गॉड्स पर इतना जुर्म क्यों कर रहा है, हमसे मुकाबला क्यों कर रहा है, हमें हरा के उसे क्या मिलेगा। सभी गॉड्स को हराने के बाद लास्ट में क्विटेला बचता है, और जब बीरस और क्विटेला के बीच लड़ाई शुरू होती है, उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आ जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैं तुम गॉड्स के लिए भी कुछ रूल्स और नियम में बना रहा हूँ। जब तुम गॉड्स लोग आपस में फाइट करोगे तो ये नियम और रूल्स आपस में फॉलो होना चाहिए। तो तभी इंटेंस माहौल हो जाता है, लड़ाई बहुत ही घमासान हो जाता है, लेकिन अचानक बीच फाइट में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और उन दोनों की फाइट को रोक देता है और बोलता है, बीरस क्विटेला रुक जाओ, बहुत हुआ, मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर की नियमें बनाई थी जिससे ये टूर्नामेंट फेयर प्ले की तरह हो जाए, सब कुछ ठीक था। यूनिवर्स 7 की जीत के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर में एंड्रॉइड 17 अपने विश से सारे गॉड्स को फिर से रियल स्टेट में ले आती है, जो भी एलिमिनेट और इरेज हो चुके थे टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जिसे सारे गॉड्स फिर से आ जाते हैं। ऐसा सबको महसूस होता है कि गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान उसने एक बियॉन्ड पावर को अचीव किया है, जो कि अद्भुत है दिखने में, जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। ऐसा लगता है कि अब गोकू ही बचा सकता है बीरस से, और बीरस का घमंड तोड़ के बीरस को सही कर देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनिवर्स 11 से बेलमोंड एक मीटिंग रखता है सारे यूनिवर्स के गॉड्स के बीच बीरस के लिए, क्योंकि बीरस ने सभी को परेशान करके रखा था, और सारे गॉड्स कोई रास्ता निकालने के लिए एक जगह मीटिंग करते हैं। बेलमोंड कहता है, हमें जल्द ही जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा बीरस को टैकल करने के लिए, वरना उसकी पावर टाइम के साथ इंक्रीज होगी, और जब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हम लोगों के लिए वो परेशानी खड़ा कर देगा, क्या पता वो हमें मार भी दे, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। तो सभी यूनिवर्स के गॉड्स बोलते हैं, बताओ क्या करना चाहिए हमें बेलमोंड। बेलमोंड कहता है, हम सारे गॉड्स को फ्यूज हो जाना चाहिए और सुपर डिस्ट्रॉयर को समन करना चाहिए, बीरस को फिर हम हरा देंगे। सभी कोई इस बात को सुन के सोच रहे थे, लेकिन तभी क्विटेला बोलता है, मैं तुम सारे गॉड्स के साथ फ्यूज नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है सुपर डिस्ट्रॉयर समन करते हुए, इसलिए मैं तुम लोगों का साथ तो कभी नहीं दूंगा इस पर्पस के लिए। बेलमोंड थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्विटेला से, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस बात को समझो क्विटेला, एक ही अल्टरनेटिव प्लान बचता है। सारे गॉड्स ये सुन के बेलमोंड की बात से सहमत होते हैं, और उसमें से एक गॉड जिसका नाम सिड्रा होता है, वो कहता है, मैं उस बीरस को जान से मार दूंगा, उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा, और वो गोकू को भी, क्योंकि गोकू भी बहुत ही पावरफुल हो चुका है और आगे जाके वो भी खतरनाक बन सकता है हम गॉड्स के लिए। तभी एक गॉड जिसका नाम एरको है, वो बोलता है, लेकिन एक दिक्कत है, हम भूल गए हैं कि इस पूरे डायमेंशन को चलाने वाला तो ज़ेनोसामा, उस गोकू का बेस्ट फ्रेंड है, उसके रहते हुए हम गोकू को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, वरना हमारा अस्तित्व ही वो मिटा देगा ज़ेनोसामा। सिड्रा कहता है, चिंता मत करो, जब हम फ्यूज होंगे तो हम सारे गॉड्स एक हो जाएंगे और हमारी ताकत 100 गुनी हो जाएगी, और ज़ेनोसामा को हम अपने बातों में उलझा फंसा के गुमराह कर देंगे। तभी अचानक से वहाँ ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है, लेकिन इस बार एक अजीब सी बात होती है। इस बार ग्रैंड प्रिस्ट का ऑरा बहुत ही अलग था, जैसे कि टूर्नामेंट पावर में हुआ करता था वैसा एकदम नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही बदला हुआ सा लग रहा था,
सभी को लग रहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट ने उनकी बातें सुन ली है और अब बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है और हम सारे गॉड्स को ग्रैंड प्रिस्ट सेरोसामा के साथ मिलके मार देगा। और सारे गॉड्स घबरा जाते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, चिंता मत करो गॉड्स, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। असल में हम यहाँ ग्रैंड प्रिस्ट का इवल साइड देखते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, जब से इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ है मैं तो सुप्रीम एंजल हूँ सारे एंजल में से, लेकिन हमारे जो फादर हुआ करते थे, हम सारे एंजलों के, हमारी जनरेशन वहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जेनो के फादर को समर्पित कर दी, एक ओमनी किंग को अपनी जिंदगी प्रस्तुत करने में। तभी से वो प्रथा चली आ रही है, हम सारे एंजल को एक ओमनी किंग के लिए अपनी जान अपनी जिंदगी कुर्बान करनी होती है उसकी सेवा के लिए। और मुझे इस बात से बहुत दुख है कि हम अपना सारा जीवन एक नौकर के रूप में बिता देंगे। मुझे भी अपना हक चाहिए और मैं जेनोसामा की गुलामी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों का साथ देने आया हूँ। और तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हाई प्रेस्ट हूँ और उन्हीं के पैलेस में रहता हूँ, इस वजह से मुझे सारी चीजों के बारे में पता है, जेनोसामा की कमजोरी क्या है और उन्हें कैसे टैकल किया जाएगा और मारा जाएगा। बेलमोंट फिर सारे गॉड्स से पूछता है, क्या सारे गॉड्स तुम सब हमारे साथ हो? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या सारे गॉड्स तुम हमारे साथ हो कि हमारे खिलाफ? साफ साफ बोलो अगर कोई भी मन में डाउट हो तो। सारे गॉड्स बेलमोंट और ग्रैंड प्रिस्ट के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं, हम ग्रैंड प्रिस्ट के साथ हैं। बेलमोंट, ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, अब बदले की आग शुरू होगी। दूसरी तरफ हम प्लैनेट अर्थ पर देखते हैं, गोकू और वेजिटा फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बुलमा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाती है याच पे, जहां बीरस और वेस बहुत ही मजे से खाने का मजा ले रहे होते हैं, वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं, टेस्टी टेस्टी फूड का आनंद ले रहे होते हैं। यहाँ सभी कोई अनजान थे आने वाले मुसीबत से कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके पीछे, खासकर बीरस और गोकू के लिए। सारे गॉड्स और ग्रैंड प्रिस्ट पता नहीं क्या करेंगे आगे जाके, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। तो इसी के साथ पार्ट वन खत्म होती है। पार्ट टू में हम देखेंगे कैसे बीरस टाइम चेंबर में लॉक हो जाएगा और ये गॉड्स और ग्रैंड प्रिस्ट क्या करेंगे पूरे यूनिवर्स में, उनकी क्या इंटेंशन है, ग्रैंड प्रिस्ट क्या कर सकता है, सारे गॉड्स मिलके क्या करेंगे, ये सब अगर जानना है तो पार्ट टू का इंतजार करें। जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।